एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पारंपरिक कक्षा कक्ष और रचनात्मकतावादी कक्षा में अंतर, डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। आज हम जानेंगे कि पारंपरिक कक्षा कक्ष क्या होती है और रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं हम कि पारंपरिक कक्षा कक्ष में क्या इसका अर्थ होता है। तो ये पारंपरिक जो कक्षा होती है, ये बुनियादी कौशल पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे क्या होते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। पारंपरिक कक्ष में कोई भी टेक्नोलॉजी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती थी। बच्चे प्रायः क्या करते थे, इसमें अकेले ही वर्क करते थे। पहले क्या किया जाता था, ना गूगल, ना यूट्यूब, ना स्मार्टफोन, कुछ भी नहीं था। तो बच्चे खुद से होकर काम करते थे, अकेले रहते थे, अकेले खुद से होकर वर्क करते थे। तो पारंपरिक कक्षा कक्ष में कोई भी टेक्नोलॉजी फैसिलिटी नहीं होती थी, जिसे हम पारंपरिक कक्षा कक्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष क्या होता है। तो रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें रचना करना, क्रिएटिविटी करना। तो रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष वह है, यह एक बड़ी अवधारणा पर जोर देता है, जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, जो टीचर्स होते हैं बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन परंपरावादी कक्षा कक्ष में बच्चे जो थे वो टीचर से क्वेश्चन नहीं करते थे, सिर्फ टीचर उनको रीड करता था, टीचर उनको पढ़ाता था बस। लेकिन जो रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष है, उसमें जो शिक्षक होता है वो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे इसका बकायदा इसका आंसर भी देते हैं। लेकिन हमारी आज की जो जनरेशन है वो पूरी किससे भरी हुई है, टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। जैसे आज की जनरेशन में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन, गूगल, यूट्यूब, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चलाना जानता है कि कैसे उसे लर्न करना है, कैसे उसे सीखना है। तो यही इसमें इन दोनों का अर्थ होता है। अब हम देखते हैं इसके अंतर को। फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश में भी अंतर बताया है और हिंदी में भी बताया है, तो आपको जो यूजफुल लगता है आप उस पर देख सकते हैं। तो चलिए हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, पारंपरिक कक्षा कक्ष और रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में अंतर। फर्स्ट है इसमें बेस्ड स्किल एम्फासाइड, दैट मीन्स हो जाएगा कि इसमें जो परंपरागत कक्षा कक्ष थी, जो पारंपरिक कक्षा कक्ष थी, वो किस पर डिपेंड करती है, बच्चों के कौशल पर, मूलभूत कौशल पर डिपेंड करती है। रचनावादी क्लासरूम है, बिग कॉन्सेप्ट एम्फासाइड, ये जो क्लासरूम होती थी इसमें बड़ी अवधारणाओं पर जोर दिया जाता था। इसमें जो करिकुलम का माध्यम होता था, इसमें बड़ी बड़ी अवधारणाओं के बारे में विस्तार से इनमें समझाया जाता था। सेकंड है मटेरियल आर टेक्स्ट बुक्स एंड वर्कबुक, जो पारंपरिक कक्षा कक्ष की जो सामग्री होती थी वो टेक्स्ट बुक्स एंड वर्कबुक होती थी, यानी कि पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तक इनकी प्रमुख सामग्रियाँ होती थी। लेकिन जो रचनात्मकतावादी क्लासरूम की जो सामग्रियां हैं वो है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट आर वैल्यूड, यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते थे, खुद ही सवालों के आंसर देते थे, वो खुद इंटरेस्टेड रहते थे किसी भी चीज़ को बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स के सवालों और रुचियों को बहुत ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है। किसमें, रचनात्मकतावादी क्लासरूम में। नेक्स्ट है लर्निंग बेस्ड ऑन रेपिटेशन, इसमें बच्चों को लर्निंग के माध्यम से समझाया जाता था, बार बार रिपीटेशन करके उन्हें दोहराकर समझाया जाता था। किसमें, पारंपरिक कक्षा कक्ष में। और रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में क्या होता था कि जो लर्निंग इज इंटरएक्टिव, जो सीखना है वो खुद एक क्या होती थी, इंटरएक्टिव होती थी, इसमें बच्चे खुद से लर्न करना सीखते थे। नेक्स्ट है हमारा टीचर डिसमेंटेंस इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, जो टीचर्स होते थे वो शिक्षक होते थे जो छात्रों को सूचनाओं के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते थे। रचनात्मकतावादी क्लासरूम में क्या होता था, टीचर्स रूल्स इज इंटरएक्टिव, इसमें शिक्षक की भूमिका को ही इन्होंने इंटरएक्टिव बताया है कि यदि टीचर मल्टी टैलेंट है तो बच्चा भी कैसा होगा, मल्टी टैलेंट ही होगा। नेक्स्ट है
असेसमेंट इज थ्रू टेस्टिंग, इसमें जो मूल्यांकन में जो परीक्षण का जो माध्यम होता था, इसमें हम मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों का परीक्षण लेते थे असेसमेंट के माध्यम से। और इसमें वैरायटी ऑफ असेसमेंट, इनका जो मूल्यांकन होता था वो डिफरेंट टाइप से लिया जा सकता था, निरीक्षण के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से, लिखित रूप से, इसमें हम डिफरेंट टाइप से हम बच्चों का मूल्यांकन ले सकते थे। लेकिन जो पारंपरिक कक्षा कक्षा थी उसमें क्या किया जाता था, मूल्यांकन परीक्षण के माध्यम से होता था, जो भी टेस्टिंग के माध्यम से इसमें क्या किया जाता था, परीक्षण किया जाता था। और जो रचनात्मक क्लासरूम होती थी उसमें अन्य प्रकार से हम इसमें मूल्यांकन ले सकते थे। स्टूडेंट वर्क अलोंग, इसमें छात्र जो रहते थे वो अकेले काम करते थे, किसमें, पारंपरिक कक्षा कक्ष में। लेकिन जो रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में क्या होता था कि स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप, स्टूडेंट इसमें ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर एक साथ मिलकर काम करते थे। नेक्स्ट है, नॉलेजवेल इज सीन एज एनट, जो हमारा नॉलेज होता है उसे हम ज्ञान को जड़ के रूप में देख सकते हैं, किसमें, पारंपरिक कक्षा कक्ष में। और रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में नॉलेज इज सीन एज डायनामिक एवरी चेंजेस विथ आवर एक्सपीरियंस, जो हमारा नॉलेज होता है वो हमारे अनुभव के साथ हमेशा सदैव परिवर्तनशील होता रहता है। हम जितना ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करेंगे तो हमारे उसमें नॉलेज में, अनुभव में क्या होने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। अब ट्रेडिशनल क्लासरूम में स्टूडेंट्स आर व्यूबेड एज ब्लैंक स्टेट्स ऑन टू विच इंफॉर्मेशन इज ईज्ड बाय द टीचर, जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार के नॉलेज देते हैं। तो इसमें जो छात्र है वो क्या है, ऑन टू ब्लैक स्टेट्स यानी कि रिक्त अवस्था के रूप में इन्हें हम देख सकते हैं, जिस पर टीचर्स इसके द्वारा इन्हें जानकारियां प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन देता है। कौन देता है, एक टीचर्स देता है। और अब रचनात्मकतावादी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर व्यूवर्ड एज थिंग्स विथ इमरजेंसिंग थ्रू अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि जो छात्र होते हैं उनको दुनिया के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको पहले से नॉलेज होता है। और टीचर्स इन्हें क्या करते हैं, और भी इन्हें नॉलेज देकर इन्हें हर चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश में भी बताया आपको। अब हम देखते हैं इसमें हिंदी में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो वो इससे अंतर नोट कर सकते हैं। अब हम इसमें हिंदी में भी मैं आप लोगों को बताई हूँ, दोनों प्रकार से आपको जो सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। देखते हैं इसमें, हम इसमें अवधारणाएं बताइए, मैंने अंतर का आधार बताया है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं। आप चाहो तो इसे तीन कॉलम के रूप में भी आप लिख सकते हो, तीन कॉलम बनाना, फर्स्ट में लिखना अंतर का आधार, सेकंड में लिखना पारंपरिक कक्षा कक्ष, और थर्ड में आप लिख सकते हैं रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष। तो सबसे फर्स्ट है हमारी अवधारणा, जिसमें पारंपरिक कक्षा कक्ष में क्या होता है, जो पाठचर्या होती है हमारी, करिकुलम का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ अंश से संपूर्ण की ओर होता है। लेकिन रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में क्या होता है कि जो पाठचर्या होती है उसका जो संपूर्ण से प्रारंभ कर अंश की ओर होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रमुख सामग्री, तो पारंपरिक कक्षा कक्ष में इसकी मुख्य सामग्री क्या होती है, पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक इसमें मुख्य सामग्री होते हैं। लेकिन जो रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष होती है तो इसमें प्रमुख सामग्री क्या होती है, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य सामग्री भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पारंपरिक कक्षा कक्ष में क्या होता है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तक शामिल की जाती है। लेकिन जो रचनात्मकतावादी होती है कक्षा कक्ष, तो इसमें हम पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य प्रकार की सामग्री को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड है हमारा कार्य, तो पारंपरिक कक्षा कक्ष में जो कार्य है वो छात्र अकेले करते थे। लेकिन रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में जो छात्र रहते थे वो कैसे कार्य करते थे, समूह के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति में क्या हो जाएगा कि पारंपरिक कक्षा कक्ष अधिगम की पुनरावृत्ति पर आधारित होती थी, इसमें बच्चों को बार बार दोहराकर उन्हें पढ़ाया जाता था। लेकिन
जो रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष होती थी तो उनमें बच्चों में छात्रों में ज्ञान का निर्माण पहले से ही होता था, अंतःक्रिया के द्वारा उन्हें सिखाया जाता था, तो वो तुरंत ही उस चीज को सीख जाते थे। और इस जो रचनात्मकतावादी के जो बच्चे होते थे वो पहले से ही एडवांस फीचर के होते थे, पहले से उनको ही थोड़ा बहुत किसी न किसी चीज के बारे में नॉलेज होता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्यांकन। तो पारंपरिक कक्षा कक्ष में छात्रों का मूल्यांकन उनके ही उत्तरों के द्वारा ही होता था। जो उनका मूल्यांकन होता था वो देखा जाता था कि बच्चे कैसा उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, कैसे टेस्टिंग के आधार पर परीक्षण किया जाता था। लेकिन रचनात्मकतावादी कक्ष में क्या होता था कि छात्रों का जो मूल्यांकन होता था वो उसके कार्यों के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट है 6 रूप। पारंपरिक कक्षा कक्ष में जो ज्ञान होते थे वो निष्क्रिय रूप में होते थे, लेकिन जो रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में ज्ञान कैसा होता था, गत्यात्मक रूप में होता था और यह अनुभव के आधार पर चेंजेस होते थे। आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा तो आपका अनुभव भी क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा और आपके व्यवहार में चेंजेस आने लगेंगे। तो ये उसका हो जाएगा स्वरूप, यानी कि जो उसका रूप होता था वो कैसा होता था पारंपरिक कक्षा कक्ष में, ज्ञान निष्क्रिय रूप में होता था, और रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में जो ज्ञान होता था वो गत्यात्मक रूप में होता था और अनुभव के आधार पर ये बदलता रहता था। नेक्स्ट है 7 महत्व। इसका इम्पोर्टेंट क्या होता था, पारंपरिक कक्षा कक्ष में कठोरता से पाठचर्या को निश्चित करके उच्च मूल को महत्व दिया जाता था। इसमें क्या किया जाता था, जो भी आपका करिकुलम सिलेबस रहता था उसमें हम कठोरता से उनके निश्चित करके उनके मूल्यों को महत्व दिया जाता था। लेकिन जो रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष होते थे उसमें छात्रों के प्रश्नों एवं रुचियों पर महत्व दिया जाता था। इसमें बच्चे क्या होते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, जिसमें शिक्षक क्या करता था, बच्चों से क्वेश्चन करता था और बच्चे इस चीज़ का आंसर देते थे, तो वो बच्चे कैसे होते थे, इंटरेस्टेड होते थे, उनकी रुचियों में इंटरेस्ट होता था। तो ये किसमें आ जाएगा, महत्व में, कि पारंपरिक कक्षा कक्ष में क्या होता था, कठोरता से पाठचर्या को निश्चित करके उच्च मूल को महत्व दिया जाता था। लेकिन रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष में क्या होता था, इसमें जो छात्र होते थे वो प्रश्नों एवं रुचियों को अत्यधिक महत्व देते थे। नेक्स्ट है आपका 8 प्रसारित ज्ञान। इसमें क्या आ जाएगा, पारंपरिक कक्षा कक्ष में जो शिक्षक होते थे उनका मुख्य निर्देशन करता की भूमिका होती थी, एक टीचर ही उसमें मैन रोल होता था। बच्चे क्या करते थे, उसमें शांत बैठे रहते थे, बच्चों का कोई रोल नहीं होता था, टीचर्स क्लास में जाता था पढ़ाकर और आ जाता था। इसमें इसलिए इसका जो मुख्य है, जो नॉलेज देने का, जो सूचना देने का काम कौन करता था, इसमें टीचर्स करता था। लेकिन रचनात्मकतावादी में क्या होता था कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही होते थे, इम्पोर्टेंट होते थे, कि एक टीचर्स क्या करता है, बच्चों से इसमें प्रश्न पूछ सकता था, जिससे क्या होता था, छात्रों के ज्ञान का निर्माण होता था। लेकिन जो पारंपरिक कक्षा कक्ष में टीचर्स बच्चों से कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, लेकिन जो रचनात्मकतावादी कक्षा में क्या होता था कि बच्चों से टीचर्स जो रहते हैं एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते थे, तो इसमें इस प्रकार उनका ज्ञान का निर्माण होता था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों तरीके से इसमें अंतर बताया है, इंग्लिश में ही बता दिया है और हिंदी में बताया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ मोटिवेशन बाय दीक्षा को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अपने फ्रेंडों तक भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।